अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अल्ताफ, फिर से एक बार आपका स्वागत है कूलिंग पॉइंट में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड एसी का ब्लोअर मोटर का बायरिंग चेंज करने के ऊपर है। आज हम इस मोटर का बायरिंग चेंज करके आपको दिखाएंगे प्रोसेस क्या है इसका, बहुत इजी तरीका है। इसको हम निकालते कैसे इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे, लेकिन अभी जो है इस मोटर का बायरिंग चेंज कैसे करते हैं स्पीड ब्लोअर मोटर का, उसका हम प्रोसेस दिखाएंगे आपको। चलिए अब देखते हैं, वीडियो में बने रहे हमारे साथ। ये LG का यूनिट का मशीन है, ब्लोअर मोटर है, ये 220 ब्लोअर मोटर है। इसका वायरिंग डायग्राम है, इसका बारे में मैं बाद में वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी हम फिलहाल आपको इसको वायरिंग इसका जो चेंज करते हैं। ये जो हमारे पास फॉल्ट था, ये जाम था, इसका कारण आइस आ रहा था, ब्लोअर घूम नहीं रहा था। इसका वायरिंग मोटर देख रहे बहुत जाम है, थोड़ा ताकत लगाने से घूम रहा है। इस अब हम इसका मोटर का बायरिंग चेंज करके आपको दिखाएंगे प्रोसेस। ये दोनों नट है, पहले दोनों नट को खोलेंगे, ये देखिए इसको और इसको पहले खोलेंगे। अब जो बीच में बूस रहता है हम इसको निकाल चुके हैं। इसके बाद जो उसको हल्का हल्का वायर को पुश करेंगे, इसको वायर को पुश करके मोटर को खड़ा करके हम लोग पुल करेंगे। थोड़ा सा इसे खड़ा करके नीचे मारेंगे या फिर पलटी करके भी साफ्ट का मदद से हम ये कर सकते, हल्का सा कोई लकड़ी या फिर प्लाई पे ठोकेंगे तो आराम से इजी निकल जाता है। अभी हम आपको हम दिखाएंगे पूरा वीडियो में। जो पैरो मार्क देख रहे हैं वो रोटेसर है मोटर का, रोटर डायरेक्शन है तो राइट साइड में रहता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर बूस रहता है, यहाँ भी बूस रहता है। अब इसको हम आपको खोल के दिखाएंगे, दोनों स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोनों हम स्क्रू को खोलेंगे। हम आपको पहले दिखाएंगे, स्क्रू पूरा नहीं निकालेंगे तो वो प्रॉपर निकलेगा नहीं, हम पहले वो भी दिखाएंगे, अब बाद में स्क्रू को पूरा निकाल के हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों स्क्रू को यहाँ से हम ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद इधर एक नट, एक बोल्ट लगा हुआ है, इधर एक नट है, एक लंबा स्क्रू है दो साइड में, बस उस तो बहुत ईजी निकलता है, बहुत ईजी प्रोसेस है इसका, कोई ज़्यादा ही इसमें प्रोसेस। देखिए ये दोनों का अब पूरा पूरे हम लोग स्क्रू नहीं निकालेंगे तो फंसता है, देखिए हल्का हम पुल भी उसको हम ठोक रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा, ठीक है। जब तक हम लोग स्क्रू देखे नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकलेगा जब तक इसका दोनों स्क्रू हम लोग निकाल नहीं लेंगे। देखिए अब ये स्क्रू निकाल लिए और ये स्क्रू निकाल लिए, अब देखिए इसको अब हल्का सा ठोकेंगे, ये हल्का सा ठोकना है प्लाई या इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई हैमर वैमर से नहीं मारना। देखिए ईजी निकल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जो इसका अंदर का शाफ्ट निकालेंगे उसको हम लोग सही से निकालेंगे, स्केच नहीं होना चाहिए वेंडिंग, शाफ्ट निकल गया। उसका जो स्प्रिंग है फ्रंट स्प्रिंग बैक स्प्रिंग उसको अच्छा सा रख देंगे, लॉक इसका इनसाइड है मोटर का तो हम लोग लॉक को निकालने का ज़रूरत है नहीं, ईजिली वो निकल जाता है बायरिंग। अब देखिए ये बायरिंग जो काफ़ी डैमेज हो चुका है, अभी ये ईजी निकल गया, इसका दूसरा सेट का जो बायरिंग रहेगा वो काफ़ी डैमेज है, ये बायरिंग ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ये काफ़ी डैमेज है, ये पूरा उसको रड में पकड़ा हुआ है, इसका जो सॉफ्ट करोड है ना उसमें पकड़ा हुआ, इसको प्रॉपर बैठा के फिर चारों तरफ से घुमा घुमा के मारना पड़ेगा तो ईजी निकल जाएगा। या छोटा बैरिंग पुलर से आप निकाल सकते हैं, हम आपको बैरिंग पुलर का मदद से निकालते हुए हम दोबारा वीडियो में दिखा देंगे बना के। ये देखिए अभी हम लोग ये लॉक है, लॉक से हम लोग लॉक का अपोजिट में मार रहे हैं, ठीक है, हमें से याद रखिए लॉक का अपोजिट में। ये देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा ये काफ़ी डैमेज है बैरिंग, इसका वजह से आराम से नहीं निकल रहा, आप पहले वाला देखिए कितना आराम से निकल चुका है, लेकिन ये थोड़ा काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, उसके बाद ये निकलेगा। इसको लॉक को देखते हुए मारने का, ज़्यादा ताकत से भी नहीं मार सकते इसको, तो प्रॉपर हम लोग चारों तरफ से घुमा घुमा के मारेंगे और फिर वो निकल जाएगा वो। देखिए हल्का हल्का लोग मूव करके मार रहे, देखिए हैंड को देखिए वो हल्का रोटर का देखिए मूव किए, ऐसे मूव कर करके देखिए मूव हुआ, मूव कर करके मारेंगे तो इजीली निकल जाता है, काहे कि वही बैरिंग जो है डैमेज है उसकी वजह काफ़ी जाम है इसके कारण। अभी हम आपको उसको निकाल के फिर दोबारा बैरिंग लगा के और उसके बाद फिर हम आपको उसको फिटिंग करके दिखाएंगे और उसको फिर हम रोटर घुमा के भी दिखाएंगे आपको कितना स्मूथली घूमता है, ठीक है ना। देखिए अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं, देखिए हल्का हल्का निकल रहा, हल्का उसको राउंड कर करके मारेंगे, लॉक को डैमेज नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक, क्योंकि ब्लोअर मोटर है बहुत सेंसिटिव होता है, ज़्यादा कस के मारेंगे उसका
देखिए निकल गया। इसी तरह के सब अब हम आपको दिखाएंगे इसको फिटिंग करते हुए भी, ठीक है। और देखिए इसका जो वायरिंग का नंबर और नाम है जिसको 620 इट है, उसको वायरिंग का नंबर है और आपका वायरिंग जो है वो दोनों ही। अब हम लोग इसको चेंज करके दिखाएंगे आपको। अब न्यू वायरिंग हम लोग इसमें असेंबली करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे निकाले बस वैसे ही डालना है। लॉक का ध्यान रखना है, फिटिंग करने में इसके भी स्प्रिंग का ध्यान रखना है, और दोनों तरफ इक्वल इक्वल टाइट करते हुए जाना है। इस 6082 वायरिंग का जो लंबर था, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमरा थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर दिखाने का। अब देखिए इसको लॉक, और देख लॉक लग गया। अब इस हम लोग वायरिंग को डालते हैं, एकदम इजीली चल जाएगा। ग्रीस व्रीस इसमें डालने को ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथली जाता है ये हमेशा। देखिए लॉक है, देखिए स्मूथली एकदम जाएगा। देखिए कितना स्मूथ है, बस ये हाथ से इसको ये देखिए बढ़िया कट सीन आवाज वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उसका बैक साइड भी सेम करेंगे। तो मोटर का लॉक लगा हुआ, बैक साइड भी हम लोग वायरिंग डाल दिया। अब इसको हम लोग देखिए स्टॉल, ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग लगाने नहीं भूले, ताले तो फिर अब साउंड आ जाएगा बुलाओ, फिर से आपको खोल के इसको लगाना हो तो हमेशा इसको ध्यान रखें, इसको बुलाए ना और अच्छे से रखें। इसका ट्रैक्शन का हमेशा ख्याल रखें कैसा जाएगा। ये देखिए हम लोग रोटर भी डालें, सेम जैसे निकाले वैसी फिटिंग करना है, खाली रोटर को वेंडिंग में लगाना नहीं है तो ग्राउंड हो जाएगा, आपको मोटर डैमेज हो जाएगा। अब हल्का सा वायर को टानेंगे तो अपने वो सामने आ जाएगा। अब हमको लगाने टाइम हमेशा ध्यान रखना दोनों जो नट का ट्रैक्शन है दोनों को सामने सामने रखना है, ताकि वो टाइट होगा तो सेम जैसे खुला था वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो फिर नट लगेगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाए। देखिए अब ऐसे लगाएंगे हम लोग तो अब नट कहाँ टाइट करेंगे, नट टाइट नहीं हो सकता, इसीलिए हमको डायरेक्शन जो होता है देखिए इसका और बैक डायरेक्शन दोनों को सेम रखना होगा। देखिए दोनों को सेम, अब हम लोग सेम जैसे बोल्ट निकाले थे वैसे हम लोग इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे दोस्त बोलते हैं कि वायरिंग कैसे चेंज होगा, क्या है टाटा का मोटर चेंज करना पड़ता है, तो वायरिंग आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप इस वीडियो को भी देख के कर सकते हैं। ग्राउंड के साथ इसको हम टाइट कर दिए हैं क्योंकि मोटर का ग्राउंड की ज़रूरत होता है हमेशा इसके लेके, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप इस तरीके से वायरिंग को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल है, बहुत स्मूथली है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं लगता वायरिंग चेंज करने में। आप देखिए कितने ईजी तरीके से सो हो गया, तो ऐसा आप वायरिंग चेंज कर सकते हैं, एकदम ईजी प्रोसेस है। और आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त को भी शेयर करें। देखिए अब घुमा के भी दिखाएं आपको, बहुत स्मूथ घूम रहा है देखिए। तो अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।